दोस्तों, मैं आज आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। ये हमारे जीरे की फसल है जो कि दूसरी बार पी चुकी है और तीसरी बार पीने के लिए तैयार है। इसे हमने दूसरी बार पिलाते समय ये दवाई, मतलब सल्फर, जो कि दवाई की गिनत में आती है, इसका नाम है न्यूट्री S90। ये हमने 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से छाटी है। ये हमने खाद में मिलाकर छाटा। ये देख लो, हमारे ये पूरा 4 एकड़ का जीरा है, मतलब 10 बीघे का। इसमें आप देख सकते हैं, पूरा जीरे की फसल में कहीं भी कुछ भी फर्क नहीं है, पूरा अक्सार है। इसमें हमने इसका छिड़काव किया था 15 किलो खाद प्रति बीघा और 2 किलो खाद, ये सल्फर, प्रति बीघा के हिसाब से मिलाकर छाटा है, जिसके कारण ये दूसरी पिलाई में इतना बड़ा हो गया है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये पौधा 1 फुट से भी लंबा है, ये 1.5 फुट के आसपास पौधा है। तो आपको भी इस सल्फर का उपयोग करना चाहिए, और इस सल्फर को हम कहीं पर भी उपयोग में ले सकते हैं, जैसे गेहूं की फसल है, टमाटर है, आलू, ये देखो इस पे चपेवे भी हैं, जीरा है, हम उसको कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं, ये कोई नुकसान नहीं करती है। देखिए, ये पूरा 4 एकड़ का जीरा है, ये यहाँ से चालू हो गया, ये इधर, ये पूरा जीरा है, ये जीरा है पूरा 4 एकड़ का, मेरा मतलब 10 बीघा। इसमें हमने पूरे में 2 किलो बीघे के हिसाब से सल्फर दिया है और 15 किलो खाद दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको भी ये सल्फर यूज में करना चाहिए, जो कि आपको फायदा दे सकें। और ये है दोस्तों, इधर तारामीरा की फसल जो कि बहुत ही कमजोर है। तो दोस्तों, आप भी अपनी फसल में, गेहूं है, जीरा है, कुछ भी है, जैसे गन्ने की फसल है, तो उसमें सल्फर का प्रयोग जरूर करें, उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। और ये सल्फर, ये एक बैग है जो कि 3 केजी का है, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 300-400 रुपये में आपको एक बैग मिल जाएगा 3 केजी का। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।